इसे काठमांडू नेपाल से डॉक्टर नम्रता पांडे ने पूछा है। पूछती हैं, असली प्यास क्या है? पहले तो ये जानो कि किस प्यास की ओर संकेत है। हमारी इच्छा ही हमारी प्यास है। जीवन है तो इच्छाएं हैं। सच कहो तो जीवन इच्छाओं का जोड़ है। इच्छाओं के कारण ही हमारा जन्म होता है। इच्छाओं के कारण ही जीवन चलता है। लेकिन ये जो इच्छाएं हैं, या जिसको हम प्यास कह रहे हैं, इसके 7 तल हैं। क्योंकि सवाल है कि असली प्यास क्या है, तो नाना प्रकार की जो इच्छाएं हैं, पहले उनको जान लो, तो फिर जो मूल इच्छा है उसके बारे में जानना आसान होगा। तो ये 7 तल हैं हमारी प्यास के, या हमारी इच्छा के। जो पहला तल है, हमारा ऋषि कहता है बुभुक्षा। बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही मुंह खोलना शुरू कर देता है, उसको दूध मिले, कुछ भोजन मिले, और ये इच्छा जीवन भर हमारे साथ चलती है। इसको हमारा ऋषि कहता है बुभुक्षा, भोजन करने की इच्छा। ये हमारी मौलिक इच्छा है, या कह लो मौलिक जरूरत है, मौलिक आवश्यकता है। दूसरा, फिर हम बड़े होते हैं, युवा हो जाते हैं, कुछ बायोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हमारे भीतर आते हैं, और फिर भोग की इच्छा पैदा होती है, जिसको हमारा ऋषि कहता है बुभुत्सा। ये दूसरे तल की प्यास है, या दूसरे तल की हमारी इच्छा है। जो तीसरी इच्छा है, फिर जीवन है तो संघर्ष है, जीवन है तो चुनौतियाँ हैं, जीवन है तो समस्याएँ हैं, जीवन है तो जीवन को बचाने के खतरे हैं। तो तीसरी आवश्यकता है, तीसरी जो इच्छा है वो है जिजीविषा, जीने की इच्छा। हर हाल में हम जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, जब तक कि वो इतना ज़्यादा बीमार न हो जाए, शरीर के कष्ट से परेशान न हो जाए। लेकिन हमने देखा है, कितना भी शारीरिक कष्ट हो, फिर भी आदमी जीना चाहता है। तो ये एक मूलभूत इच्छा है, जिजीविषा। फिर चौथी इच्छा है, हमें भोजन भी मिल गया, भोग की सुविधा भी मिल गई, सुरक्षा का इंतज़ाम भी हो गया, लेकिन आदमी प्रेम पाना चाहता है। केवल रोटी से और सुरक्षा से हम जीवन नहीं जी सकते, हम प्रेम पाना चाहते हैं और प्रेम देना चाहते हैं। तो ये चौथी इच्छा, या चौथे तल की इच्छा है। जो पांचवी इच्छा है, ये जिज्ञासा है। हम नाना प्रकार के, बच्चों में कौतूहल होता है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, प्रौढ़ हो जाते हैं, तो एक बौद्धिक जिज्ञासा शुरू हो जाती है। और जैसे वैज्ञानिक है, इसी से विज्ञान का जन्म होता है, कि पानी क्या है, H2O है, क्या है, कैसे बना है। और ये कौतूहल एक इंटेंस जिज्ञासा में बदल जाती है। हम हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि वास्तव में वो क्या है, कैसा है। तो ये जिज्ञासा, ये बड़े उच्च तल की प्यास है, उच्च तल की इच्छा है, जिसको हम जिज्ञासा कहते हैं, जानने की इच्छा। और फिर छठे तल की इच्छा है कि एक जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, तो महत्वाकांक्षा, यश पाने की आकांक्षा। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम करें कि सब लोग हमारी सराहना करें, हमें अप्रिसिएशन मिले, हमें प्रशंसा मिले, हमें महत्व लोग दें। तो महत्वाकांक्षा, एस्टीम नीड जिसको कह सकते हो। और फिर सातवें तल की इच्छा, हाईएस्ट कह सकते हो, उच्चतम प्यास, ये है मुमुक्षा। और तुम पूछते हो कि असली प्यास क्या है, ये मुमुक्षा ही असली प्यास है, मुक्ति की इच्छा, मुक्ति की प्यास, परम स्वतंत्रता की प्यास। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं जनक से, तात स्वतंत्रता आखिरी योग है। ये जो परम स्वतंत्रता है, परम स्वतंत्रता क्या है, अपनी इच्छा से हम जीवन में आए और जीवन से विदा हों। ये अभी क्या है कि भौतिक रूप से, यांत्रिक रूप से हम आते हैं, हम भेजे जाते हैं जीवन में, कुछ पाठ सीखने के लिए आते हैं, कुछ विगत के हमने कर्म किए हैं, उनके कुछ कर्म बंद लगे हैं, उनका भोग करने के लिए आते हैं। लेकिन हमारी आखिरी इच्छा है कि जीवन से हमें विरोध नहीं है, लेकिन जन्म और मृत्यु भी हमारी स्वतंत्रता से हो,
हम जब चाहें जन्म लें और जब चाहें विदा लें, इसी का नाम मोक्षा है। और इसी को मैं असली प्यास कहता हूँ, जहाँ पर जानने की इच्छा तो होती है कि मैं कौन हूँ, लेकिन अब ये केवल जानने की इच्छा नहीं है, कौतूहल जैसा नहीं है। और जिज्ञासा में क्या होता है, हम जानने की तीव्र इच्छा है, लेकिन नहीं भी जाने तो काम चलेगा, लेकिन मुमुक्षा में तो बिल्कुल प्राण लगे हैं हमारे। तुमने सुना होगा, ओशो ने बड़ी सुंदर कहानी, कहीं कहानी नहीं बल्कि दृष्टांत दिया है, जब विवेकानंद को मुमुक्षा जागी तो पूछते चलते थे कि परमात्मा को किसी ने जाना है, परमात्मा को मुझे कोई दिखा सकता है, और किसी ने बताया कि महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर जानते हैं परमात्मा को, वे बता सकते हैं। उन्होंने कहा कहाँ रहते हैं, कहा तो हुगली नदी में मंच, नदी के भी ऊपर नदी में मंच लगा करके वहाँ बैठते हैं। शाम हो रही थी, लेकिन मुमुक्षा इतनी तीव्र थी कि विवेकानंद उसी समय चल पड़े। वहाँ देखा नाव तो थी, मल्लाह नहीं था, नाव खुद ही खेते हुए वो मचान के पास पहुँचे, मचान पर चढ़ गए। रात के 12 बज गए थे, वहाँ महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ध्यान में बैठे थे, कॉलर पकड़ लिया, झकझोरा, कहा कि आपने परमात्मा को जाना है। महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कहा युवक, ये कोई वक्त है और ये कोई पूछने का समय है? और विवेकानंद ने कहा कि मैं समझ गया, आपकी आंखों की झिझक बता रही है कि आपने भी परमात्मा को नहीं जाना, उल्टे पांव कूद पड़े समंदर में और फिर तैर करके उस नदी में, हुगली नदी में, और तैर करके वापस आए, और फिर तलाश जारी रही। फिर किसी ने बताया कि रामकृष्ण परमहंस बता सकते हैं परमात्मा के बारे में, वे गए रामकृष्ण के पास और उसी तेवर में, उसी अंदाज में उन्होंने उनसे भी बड़े तीखे रूप में पूछा, क्या आप परमात्मा को जानते हैं? रामकृष्ण हंसने लगे, कहे कि युवक ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, क्या तुम्हें जानना है? अगर तुम्हें जानना है तो यहाँ बैठो। पहली बार एक प्रामाणिक व्यक्ति मिला था जो इस तरह बात कर रहा था कि विवेकानंद स्वयं हिल गए। ये मुमुक्षा है कि अगर हम नहीं, हमने जाना, प्यास इतनी तीव्र है, तो हमारे प्राण रखने का कोई औचित्य नहीं है, तो निश्चित रूप से ये मुमुक्षा ही असली प्यास है। और जिसके भीतर ये मुमुक्षा जाग जाती है, चारों ओर से अस्तित्व उसकी इस मुमुक्षा को पूरी करने में लग जाता है।